हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो सीयूईटी की एक नई अपडेट को लेकर के है। और न्यू अपडेट क्या है कि कई लोगों के कुछ क्वेश्चन आए थे कि सर सीयूईटी का सिलेबस क्या है, सीयूईटी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वो सिलेबस के रिगार्डिंग है। इन्होंने अपना अपडेट कर दिया है सिलेबस। पहले पुराना सिलेबस डला हुआ था पर आपको नया सिलेबस रेफर करना है, और नया सिलेबस में इन्होंने जो कैटेगरीज बनाई हैं उन कैटेगरीज वाइज सिलेबस को अपलोड किया है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आप रेफर करें। सपोज दैट कि अगर आपने देखिए सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट cut.nt.nic.in पर जाना है और वहां पर इंफॉर्मेशन में जाना है। इंफॉर्मेशन में सिलेबस वाली लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, तो आप सिलेबस वाली लिंक को क्लिक करेंगे। देखिए सिलेबस वाली लिंक को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आचार्य, कॉमन, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, एम टेक, साइंस, ये अलग अलग स्ट्रीम्स के इन्होंने सिलेबस अपडेट किए हैं जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। जिस भी कोर्स में आपने एनरोल्ड किया है उस कोर्स का आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। आप यहाँ से व्यू करेंगे, डाउनलोड करेंगे और अपने कोर्स को देखेंगे जिस कोर्स में आपने एनरोल्ड किया है। यानी आप अपना पेपर कोड चेक करेंगे, जिस जिस पेपर कोड के लिए आपने अप्लाई किया है उस पेपर कोड में आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी में जो साइंस वाली स्ट्रीम है अगर उसको लेकर के मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो चूंकि डाउनलोड तो यहीं से ही करना है, मैं आपको बता दूं डाउनलोड तो आपको यहीं से करना है। सपोज दैट आप साइंस वाले हैं, एमटेक वाले हैं, लैंग्वेज वाले हैं, तो आप सपोज दैट यहाँ से डाउनलोड किया तो ये हमारा ओपन होके आएगा। और यहाँ पर देखिए जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स, जियो फिजिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग कोर्स के हैं, ये सारे साइंस के ही सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे 27th नंबर जो कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको लेकर के बात करेंगे तो यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका कोड है SCQP09, जो कि MCA वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रख करके देखें तो ये मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देयर विल बी द क्वेश्चन पेपर विल ईच हैव 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव द टू पार्ट्स, दैट इज द पार्ट ए द पार्ट बी। एंड द पार्ट ए विल हैव द 25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश में इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल या क्वालिटिक एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, इसको लेकर के 25 क्वेश्चन होंगे। और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या किस किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होंगे, क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग द पैटर्न, ट्रेड्स, असेसमेंट ऑफ द फिगर्स एंड डायग्राम्स को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे। इसके बाद अलावा ज्योमेट्रिकल डिजाइंस या आइडेंटिफिकेशन होंगे, जैसे कि आपसे कहा जाए कि इसमें स्क्वायर बताइए, रेक्टेंगल्स बताइए, है ना। यहाँ पर ब्लड रिलेशन हो सकता है, डायरेक्शन सेंस हो सकता है, वर्बल रीजनिंग में सीरीज के भी हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिलेक्शन ऑफ द लेटर्स, रिलेटेड वर्ड्स, नंबर्स एंड फिगर्स, इसको लेकर के यानी कि सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और थिंग या आइटम जो भी आपसे पूछे जाते हैं ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्लीशन ऑफ द न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न या लॉजिक, किस पैटर्न या लॉजिक पर कोई सीरीज काम कर रही है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सीरीज बेस्ड न्यूमेरिकल पैटर्न, तो काफी ईजी पूछी जाती है। और सिलोलिज्म जो कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो इसको लेकर के आपसे रीजनिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन अगर मैं मैथमेटिक्स के कोर्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपसे क्या क्या चीज पूछी जाएगी, सेट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसके बाद में आपसे ये पूरा इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। एल्जेब्रा में आपसे एक्सपांशंस, फैक्टराइजेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इंडाइसेस,
अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल एपीजीटीएसपी प्रोग्रेशन डिटरमिनेंट और मैट्राइसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आरसीएस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम और उसमें लाइन स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, कैलकुलस भी पूरी पूछी जाएगी लाइक लिमिट ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी टेंजेंट नॉर्मल सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट पूछा जाएगा डेफिनिट पूछा जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटरवल। इसके बाद में वैक्टर्स पूछा जाएगा, तो अगर हम बात करें वैक्टर्स की तो वैक्टर पूछा जाएगा और वेक्टर में भी पूरा जब लगभग स्केलर डॉट प्रोडक्ट है ना एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, देन ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटी फंक्शंस रिक्वायर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये सिलेबस पूरा मैथ्स का हो गया, ऊपर रीजनिंग का हो गया और कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में जो कंप्यूटर बेसिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस पूरा जो सिलेबस है वो निमसेट वाला है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर यानी कि बाइनरी नंबर सेक्सुअल डेसिमल नंबर इनको जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल टूस अर्थमेटिक लाइक टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बूलियन अलजेब्रा ट्रुथ टेबल एंड वेन डायग्राम। तो जो आपने अभी सिलेबस निमसेट का देखा है सेम सिलेबस सीयूईटी का कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि निमसेट की तैयारी से ही आपको सीयूईटी की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस निमसेट में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस 100 पूछे जाएंगे, तो ये चिंता करने की बात नहीं है कि सिलेबस अलग है। पहले सीयूटी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था लेकिन पिछले साल से इन्होंने सिलेबस पे काफी अपडेट किया है और इस बार टोटल वही सिलेबस है जो निमसेट में है। बस अगर पार्ट ए की बात की जाए तो पार्ट ए थोड़ा सा डिफरेंट है और पार्ट ए में डिफरेंट बस कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें पार्ट ए की तो कहीं ना कहीं बस जनरल अवेयरनेस का पार्ट ही सिर्फ एक अलग है और जनरल अवेयरनेस भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे कोई हाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको पढ़ना हो, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जनरली आप अपडेट रहते हैं जो चीज़ों से करंट की चीज़ों से वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक सपोज दैट कि अगर एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको या आपसे फिलर्स पूछ लेंगे लाइक है ना एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, ग्रामेटिकल पूछ सकते हैं, एरर पूछ सकते हैं, पी क्यू आर एस यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी एप्टीट्यूड में लाइक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क इनको लेकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आपको जो मेहनत करनी है वो पार्ट बी में मेहनत करनी है और 75 जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, यानी इसकी तैयारी आपको सबसे ज़्यादा करनी है और सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर आपको देना है। तो ये तो केवल एक पर्टिकुलर कोर्स जबकि हम एस सी क्यू पी जीरो रैंक की बात कर रहे हैं, ऐसी हर अलग अलग कोर्स में अलग अलग हैं सारी चीज़ें। देखिए अगर मैं बात करूँ अलग अलग हैं जैसे कॉमन इन हम बात करें कि ह्यूमैनिटीज का कोर्स देखें लैंग्वेज का देखें एमटेक का देखें तो हर जगह अलग अलग कोर्सेज उन्होंने अपलोड किए हैं जिस भी कोर्स में आपने इनरोल किया है। अब कुछ लोगों का अभी भी अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक दी गई है, आप वहां से सीधा जाएं और क्लिक करें। अगर हम बात करें ये सीधा रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है और लिंक यहाँ पर जिस तरह से ओपन होगा नई रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप से लेकर के जो भी मेरा वीडियो है उसको मैं आपको रेफर कर दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप पूरा वीडियो उसको देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पर बताया है कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, क्या डिटेल आपको अपनी फिल करनी है और कैसे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। पूरा सैम्पल मैंने एक डमी फॉर्म बना करके इसमें अपलोड किया है अपने वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। सिलेबस को लेकर के जो अपडेट थी वो मैंने आपको आज दे दी है ताकि आप लोग काफ़ी पैनिक हो रहे थे कि सर सिलेबस क्या है सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को लेकर के ये मेरा वीडियो है। अब बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं इतने सारे कोर्सेज का सिलेबस तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, पर आप जिस भी कोर्स के लिए अनरोल किए हैं उस कोर्स का आपको यहाँ पर सिलेबस देखना है। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ में जो डिस्कस किया है वो सिलेबस है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एस सी क्यू पी 09 जो कि एम सी ए या एम एस सी के लिए है साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस डिग्री इन डिग्रियों के लिए एक कॉमन सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया है एस सी क्यू पी 09। ठीक है, जे एन यू बी एच यू डी यू जैसी यूनिवर्सिटीज में
ये सिलेबस पूछा जा रहा है, दैट मींस कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई है क्योंकि इस बार डीयू भी जुड़ गया है। डीयू का सिलेबस पिछले कई सालों से बहुत अलग था, जिसमें बीएससी का सिलेबस पूछा जाता था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का उस मैं नहीं हो पाता था, क्योंकि जिनका बीएससी होता है वही लोग सिर्फ डीयू के सिलेबस को या डी पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं या डीयू क्लियर कर पाते हैं। लेकिन इस बार से डीयू भी इसमें शामिल हो गया और डीयू का सिलेबस भी वही हो गया है जो बाकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो सबसे अच्छी ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाने हैं। निमसेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निमसेट की तैयारी से आपकी सीयूटी की तैयारी हो जाएगी। सपोज दैट आप निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप सीयूटी की तैयारी करें, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा विकल्प है, जेएनयू बीएचयू बहुत अच्छे विकल्प हैं, और ये तीन यूनिवर्सिटी इसमें जो बड़ी बड़ी इसमें शामिल हुई हैं वो काफी अपने आप में अहमियत रखती हैं। बाकी अगर यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा हम बात करेंगे तो MMM या AKTU भी ठीक है और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, लेकिन मैं जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ वो तीन यूनिवर्सिटी हैं जिनकी मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बीएचयू जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन तीन यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, तीनों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और सबसे टॉप अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसपे लोग इतने आसानी से नहीं जा पाते हैं। अगर आप इसके लिए पूरी मेहनत तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी भी कोर्स को रेफर कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट को रेफर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप किसी कोर्स से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको ध्यान ये देना है अपनी टेस्टिंग एवेल्युएशन पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। बाकी आपका अगर अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, इसमें डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ फोटो और साइन अपलोड करना है, इसलिए डॉक्यूमेंट के लिए पैनिक ना हो, डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लें, एडमिशन टाइम पर ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इन सब चीज़ों की चिंता ना करें। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सिलेबस के रिगार्डिंग कि सिलेबस नहीं आया तो अभी नहीं करना है, देखिए 19 तारीख ही इसकी आखिरी डेट होगी, आप 19 तारीख से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें और इसका फॉर्म आप फिलअप करें। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और सिलेबस को लेकर के जो मैंने आपको अपडेट दी है आप उसको शेयर भी कीजिएगा और इसको रेफर भी कीजिएगा और अपनी तैयारी को करिए, करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।